उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। सबसे पहले सीएम योगी ने अंगवस्त्र ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद सीएम योगी ने कहा कि एक ओर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य योजनाएं भी नए रूप में देखने को मिली है। इसके आगे उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में केवल काशी में ही नहीं 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, 34,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 10,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। दीपावली के ठीक पहले आज काशीवासियों को 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है। इस क्रम में उन्होंने कहा कि सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 10 वर्ष में बदलती काशी को पूरा देश दुनिया देख रहा है। 10 वर्ष के अंदर अकेले काशी के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज पूरी हो चुकी हैं और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसी क्रम में आज काशी के लिए 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दीपावली के ठीक पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशीवासियों को प्राप्त हो रहा है। काशीवासियों को इसकी हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही काशी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के शिलान्यास और सहारनपुर के सरसावां एयरपोर्ट के लोकार्पण और आगरा में नए एयरपोर्ट के शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। इसके लिए सहारनपुर और आगरा के नागरिकों की ओर से भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से इन सभी योजनाओं की सौगात आज उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका काशी आगमन पर, हरियाणा की ऐतिहासिक विजय पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।